व्हाट हैपन्स व्हेन मून इज पॉजिटेड इन फिफ्थ हाउस। अगर आपका चंद्रमा पांचवें स्थान पे आपकी कुंडली में, तो आपका ओरिएंटेशन, आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका, ये सब पांचवें स्थान से रिलेटेड हो जाता है। तो पांचवा स्थान होता है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, पांचवा स्थान होता है डेडिकेटेड रह के किसी भी काम को इनिशिएट करना। लीडर्स का प्लेस होता है किसी भी चीज़ को लीड करना, परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस का प्लेस होता है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं जो फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस देते हैं किसी एक एक्ट का, उसको फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो जब फिफ्थ प्लेस पे आपका चंद्रमा बैठता है, तो इसका मतलब है कि यू बिलीव इन डूइंग रादर देन प्लानिंग थिंग्स, यू बिलीव इन डूइंग थिंग्स। आप ज़िंदगी को अब इस नज़रिए से देखोगे कि जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, जब तक आप किसी काम को करोगे नहीं खुद से, तब तक वो काम होने वाला नहीं है। सो इट मेक्स यू सेल्फ डिपेंडेंट, ये आपको खुद पे बहुत डिपेंडेंट बना देता है। और अदर्स, जितने भी लोग होंगे उनको आप इंटरटेन करोगे बहुत अच्छे से, क्योंकि सातवें से ग्यारहवा होता है, ग्यारहवा स्थान इंटरटेनमेंट का होता है। लोगों के लोग किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो पहले पाँचवें स्थान पे चंद्रमा जब पॉजिटेड होता है, तो योर माइंडसेट रिवॉल्व्स अराउंड इंटरटेनिंग पीपल, कि आप किस तरीके से इंटरटेन कर सकते हो लोगों को। सिर्फ इतना ही नहीं, बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी बनाता है सोसाइटी में। आप प्रोग्रेसिव इसलिए बन जाते हैं बिकॉज यू बिलीव इन टेकिंग एक्शंस, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, किसी भी कमिटमेंट को इनिशिएट करना, कमिटमेंट का इनिशिएशन बन जाता है आपकी मेंटालिटी। तो जब आप किसी काम को करने चलते हो, तो पहले आप देखते हो कि व्हाट कमिटमेंट दिस वर्क रिक्वायर्स, और तब आप उसको उसी तरीके से इनिशिएट करते हो। तो चंद्रमा जब पाँचवें स्थान पे है, बहुत ही जॉयफुल रहता है आदमी, दिमाग से बहुत ही जॉयफुल रहता है, खुश रह के अपनी ज़िंदगी जीता है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, लोगों को बहुत खुश रखता है और हमेशा इसी सोच में रहेगा कि मैं लोगों को कैसे खुश रख सकता हूँ। सो जब भी चंद्रमा अपने से दूसरा चाल चलेगा छठे स्थान पे, तो छठा स्थान जो होता है वो आपके रेगुलर वर्क का स्थान होता है, और पाँचवा स्थान जो होता है वो किसी भी चीज़ के इनिशिएट करने को कहते हैं। तो इनिशिएट करने का जो चंद्रमा है पाँचवें स्थान का, जब वो छठे स्थान पे जाता है, तो पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप नए हैबिट्स अक्वायर करते हो, या फिर आप सोचते हो कि आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि माइंडसेट है आपका, तो जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को और अच्छे से कैसे कर सकते हो। जब भी छठे स्थान पे जाएगा, इन्हीं थॉट्स के साथ आप अपने वर्क को करोगे कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर वर्क। जब अपने से तीसरा चल सातवें स्थान पे चलेगा, तो योर माइंड विल आपका जो दिमाग है वो ये सोचेगा कि हाउ यू कैन इनिशिएट, हाउ यू कैन मेक पीपल डू योर वर्क, हाउ यू कैन मेक पीपल डू देयर वर्क, जो भी काम आपको रिक्वायर्ड है, हाउ कैन यू मेक पीपल डू थिंग्स। तो जब भी चंद्रमा अपने से तीसरा चाल चलेगा, तीसरा चाल कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल कर रहा है, तो सातवें स्थान को, कैसे, तो अपने माइंडसेट से। और इनिशियली ये पाँचवें स्थान पे है, तो वर्क करवाना किसी भी पर्सन को, यू विल मेक पीपल डू थिंग्स एंड यू विल थिंक अबाउट इट कि किसी से किस तरीके से काम करवाना है। ये एग्जीक्यूटिव का पोस्ट दे देता है इंसान को पाँचवें स्थान का चंद्रमा। अपने से चौथा चाल आठवें स्थान पे चलेगा, अपने से चौथा आठवें स्थान पे चलने का मतलब बिल्ड करना, अपनी मेमोरी को धीरे धीरे बिल्ड करना। जिसका भी चंद्रमा पाँचवें स्थान पे होगा, उसकी मेमोरी शार्प हो ना हो बहुत बड़ी होगी, एज इन हर एक चीज़ को, माइन्यूटेस्ट डिटेल को ये लोग बिल्ड करते चलते हैं। इफ़ दे नो समथिंग दे नो इट फॉर द परमानेंट, दे डोंट बिल्ड इट फॉर टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वीडियो देखते हो, तो उस वीडियो को आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपने मेमोरी में स्टोर करके रखोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चूँकि पाँचवा स्थान सातवें से ग्यारहवा होता है और आठवां स्थान सातवें से दूसरा होता है, तो जब भी
पांचवें स्थान का चंद्रमा आठवें स्थान पे चलेगा, तो आप लोगों को उनकी सैलरी दोगे। क्यों? क्योंकि 11वां स्थान उनका कमाया हुआ धन है, देयर क्लेम टू मनी, और दूसरा स्थान उनका बचाया हुआ धन है। तो आप ये सोचोगे कि कैसे ये आदमी अपना पैसा बचा रहा है, या फिर कैसे, क्योंकि ये माइंड सेट है। तो ये मून का ट्रांजिट सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन बताता है, कोई मेजर हैपनिंग आपको एज सच नहीं देता है। तो इसको माइंड सेट के हिसाब से समझें आप सोचोगे कि हाउ कैन अ पर्सन यूज हिज रिसोर्स, जब भी आठवें स्थान में ट्रांजिट करेगा अपने से पचवा चलेगा नौवें स्थान पे। जब चंद्रमा अपने से पचवा चाल नौवें स्थान पे चलेगा, तो यू विल क्रिएट, यू विल थिंक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट व्हाट, तो यू कैन क्रिएट अटेंशन, यू कैन एंटरटेन अटेंशन ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि नौवां स्थान सातवें से तीसरा होता है, और नौवां स्थान आपके डिस्चार्ज का स्थान होता है। तो पचवें स्थान का चंद्रमा जब भी नौवीं चाल को चलेगा, तो आप नौवीं चाल पे इनिशिएट कर रहे हो। किस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हो? तो डिस्चार्ज ऑफ इमोशंस को। तो पचवें स्थान का चंद्रमा जो होता है वो हाईली इमोशनल बना देता है इंसान को। वो आदमी इमोशनल नहीं रहता, वो दूसरों को भी इमोशनल कर देता है। जब भी नौवें स्थान पे चलेगा चंद्रमा, यू माइट प्रपोज समवन, यू माइट मेक समवन क्राई, बट इट इज़ ओवरलोड ऑफ इमोशंस। इमोशंस विल फ्लो आउट आपके भी और अदर पार्टी के भी। अपने से छठा दसवें स्थान पे चलेगा। छठा दसवें स्थान पे चलने का मतलब है यू रेगुलर ऑन वेकेशन। आप अपने दिनचर्या में इंजॉय करते हो वैकेशन को। शाम में कॉफ़ी शॉप में आप रेगुलर बैठते होगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप रेगुलर करते होगे जो कि आप इंजॉय कर सको। क्यों? क्योंकि 10वां स्थान रेस्ट का स्थान होता है, वैकेशन का स्थान होता है, किसी भी काम को फिनिश करने का स्थान होता है। कैसे फिनिश कर रहे हो, कैसे वैकेट कर रहे हो? तो पचवें स्थान का चंद्रमा अपने से छठा, पचवां स्थान का मतलब है इनिशिएट करना, किसी भी चीज़ को इंजॉय करना। छठा चाल रेगुलरली, यू आर रेगुलरली इंजॉइंग योर वकेशंस। दसवें स्थान पे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे चंद्रमा आपके ओरिएंटेशन को धीरे धीरे चेंज करता है। अपने से सातवां चाल चलेगा 11वें स्थान पे, तो आप सातवां चाल जो भी होता है वो रिलेशन डेवलप करता है। तो आप माइंडफुल रहोगे इस बात को कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसा डेवलप करना है। आप बहुत सोचोगे इस बारे में कि किस तरीके का रिलेशन मैं डेवलप कर सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये ओरिएंटेशन है जो ओवर अ टाइम पीरियड आती है आपके अंदर। अपने से आठवां चाल 12वें स्थान पे चलता है, तो टार्निशिंग ऑफ इमोशंस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टार्निश हो जाते हो। तो 2.5 दिन महीने कैसे होते हैं जब आप इमोशनली मेंटली बहुत ही ज़्यादा टार्निश्ड रहते हो। नौवां चाल फिर पहले स्थान पे चलेगा, तो ये फिर अच्छा रिजल्ट देगा आपको। क्यों? क्योंकि जितनी भी परेशानी थी आप उसको रिलीज कर रहे हो। कैसे? तो एन्जॉय करके। जब अपने से 10वां चाल चलेगा तो दूसरे स्थान पे चलेगा। 10वां चाल खत्म करवाता है, तो आप सोचोगे कि हाउ यू कैन स्पेंड योर मनी टू एन्जॉय योर लाइफ। ये थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट बनाता है आपको। जितने भी पाँचवें स्थान के ग्रह होते हैं वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, बट चंद्रमा चूंकि आपका माइंड सेट है, तो आपका माइंड ओरिएंटेड है उस तरीके से बिहेव करने के लिए। कैसे बिहेव करने के लिए? तो जब भी चंद्रमा अपने से 10वां दूसरे स्थान पे चलेगा, तो 10वां है तो खर्च कर रहा है, अंत कर रहा है। किस चीज़ का? तो दूसरे स्थान का, रिसोर्सेज का आपके। किस तरीके से? तो पचवें स्थान से। तो पचवां स्थान एंटरटेनमेंट का स्थान होता है। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए रिसोर्सेज स्पेंड करोगे, विच इज़ अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, बट ये हाईली बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है आपको। अपने से 11वां चलेगा तीसरे स्थान पे, तो अपने से 11वां तीसरे स्थान पे बहुत अच्छा चाल होता है। आप माइंडफुल रहोगे कि किस चीज़ पे कंट्रोल रखना है और किस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रखना है। और अपने से 12वां चलेगा चौथे स्थान पे, तो यू आर अ नॉन बिलीवर ऑफ स्टडिंग। आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। जहाँ पढ़ाई की बातें आएंगी, योर ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग। जहाँ चीज़ों को अक्वायर करने की बात आएंगी, वहाँ पे यू आर नॉट एज थॉटफुल एज यू आर ओन स्पेंडिंग।
सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन मून इन फिफ्थ हाउस. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब.